लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। सितारगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक गैंगस्टर सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। फरार चल रहा गैंगस्टर जगदीश उर्फ जगू थाना बहेड़ी, वहीं दूसरा लवप्रीत उर्फ लंबू हल्दुआ थाना सितारगंज को गिरफ्तार किया गया है। सिटी मनोज कात्याल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लोकसभा चुनाव के बीच नजर वारंटियों अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने गैंगस्टर सहित दो की गिरफ्तारी का श्रेय पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह ब्रजपाल, वरिष्ठ उप निरीक्षक हरविंदर कुमार और सरकड़ा चौकी इंचार्ज को दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रकरण इस प्रकार से है कि जो आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत सीनियर ऑफिसर से लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और पूरे क्षेत्र को गुंडा तत्वों से मुक्त करने का अभियान इसमें चल रहा है, जिसमें हम लोग लगातार NBW की तामील हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीक यहां से लगभग 35 NBW में जो भी वांटेड अपराधी थे उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और जो वांछित अपराधी हैं विभिन्न मामलों में जो वांटेड चल रहे हैं उनकी भी अरेस्टिंग का ड्राइव हम लोगों ने चलाया हुआ है। तो इसी क्रम में एक बड़ी सफलता थाना सितारगंज को मिली है, जिसमें CO सितारगंज और इंस्पेक्टर सितारगंज साहब और SSI सितारगंज चौकी इंचार्ज सरकड़ा, इन लोगों के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें दो हार्डकोर क्रिमिनल्स को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पे तीन गैंगस्टर सहित तीन मुकदमे हैं और एक अन्य जो लवप्रीत और लबू नाम का अभियुक्त है। अभी रिसेंटली एक जो घटना हुई थी 31 जनवरी को कटंगरी में, फायरिंग की घटना थी और डकैती उसमें हुई थी, तो उस प्रकरण में ये मेन क्रिमिनल जो है मुख्य अपराधी था ये, और इसी ने ही तलवार से इसमें वार किया था, तो उसकी हमने अरेस्टिंग की है। साथ में घटना में प्रयुक्त उससे तलवार बरामद की और घटना में प्रयुक्त वाहन को भी हम लोगों ने इसमें बरामद किया है और ये एक बहुत ही हार्डन्ड क्रिमिनल है। इस पर 9 अभियोग पंजीकृत हैं और इस पर हम लोग गैंगस्टर की भी कार्रवाई हम लोग नियमानुसार करेंगे और इसमें आगे भी इनके प्रॉपर्टी सीजर और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई जो है हम लोग नियमानुसार इसमें करने जा रहे हैं। और जो दूसरा केस है ये अक्टूबर 23 में एक घटना हुई थी पंजाबी ढाबे पे यहीं सितारगंज में, उसमें भी जान से मारने का प्रयास किया गया था और फायरिंग की गई थी, तो घटना के गंभीरता के दृष्टिगत ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और मैक्सिमम अपराधी उसमें पहले ही जेल जा चुके हैं और ये एक अपराधी उसमें शेष चल रहा था जगदीप उर्फ जग्गू, इस पर भी गैंगस्टर सहित गंभीर धाराओं में 3 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं, इनको भी हमने अरेस्ट किया है और इन लोगों की अरेस्टिंग के साथ साथ एक हमने शुरुआत की है कि आगामी लोकसभा जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हम बिल्कुल शुचितापूर्ण और शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे और किसी पर प्रकार के गुंडा तत्व और बदमाशों की कोई जगह नहीं है यहाँ पर, और हम लोगों ने उन सब की अरेस्टिंग का ड्राइव शुरू कर दिया है और उनके सही स्थान पर उन्हें पहुँचाया जाएगा और हम लोग जो है इसमें ड्राइव हमारा ये लगातार चलेगा और इसमें जो उन दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।